नमस्कार दोस्तों, हीरो की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल जो कि एक लेडी साइकिल है, हीरो इलेक्ट्रो लेडी ग्लाइड साइकिल। अभी ये साइकिल नए मॉडल में C4 के नाम से आपको मार्केट में मिल रहा है। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट और अमेजन से इसको ले सकते हैं। ये साइकिल बहुत ही ड्यूरेबल और अच्छी क्वालिटी का है। इसका बिल्ड बहुत अच्छा है। आप देखें कि 2 साल साइकिल चलाने के बाद अभी ये अपना डेकोरेटम मेंटेन किया हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। लेकिन अभी कुछ दिन बाद से, लगभग 2 साल चलाने की वजह से, इसके जो डिस्क ब्रेक हैं आप देख रहे हैं वो लगना थोड़ा कम हो गया है। उसका कारण ये है कि ये जो डिस्क ब्रेक है इसके पैड ये लग रहा है घिस गए हैं। तो आज हम इस साइकिल में इस डिस्क ब्रेक का मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे। इस साइकिल के 2 ब्रेक दिए गए हैं, आगे तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और पीछे आप देखें तो ये वी ब्रेक दिया हुआ है। वी ब्रेक को तो बड़े आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन डिस्क ब्रेक में आपको एलन की मदद से खोलना और इसका शू पैड निकालना, एडजस्ट करना, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये साइकिल लगभग 2 सालों में 15,000 किलोमीटर के आसपास चल गया है, जिससे आप देखें तो जब ये साइकिल हम चलाते हैं और आगे की तरफ हम ये ब्रेक दबाते हैं तो ये ब्रेक काम करना बंद कर दिया है। तो आज हम ब्रेक को ठीक करने के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक को ठीक करने के लिए हमें, आप देख सकते हैं कि जो ये वायर दिया गया है इसको यहाँ से खोलना पड़ेगा, तो इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले इस डिस्क ब्रेक को खोलने के लिए आपको एलन की मदद से इस चेक नट को खोल के ये वायर को लूज करना होगा। इस वायर को पूरा लूज करने के बाद आप देखेंगे कि ये वायर बाहर आ जाता है। आप इसको साइड में कर लीजिए। इसके बाद इस डिस्क ब्रेक को आपको पूरा निकाल लेना है, ताकि हम अपने शू पैड को चेक कर पाएँ और एडजस्ट कर पाएँ कि ये शू पैड हमारा पूरा घिस गया है या इसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। इस पूरा शू पैड को खोलने के लिए आपको एलन की मदद से यहाँ पर 2 चेक नट दिए गए हैं, इसको खोलना पड़ेगा। नट को खोल के बाहर निकाल लीजिए। आप देखें जैसे इसको खोलेंगे ये पूरी तरीके से खुल गया है और ये बाहर निकल गया है। इसमें आप देखेंगे ये प्रो मैक्स कंपनी का, आप ये देखेंगे ये प्रो मैक्स की तरफ से 16mm का ये डिस्क ब्रेक आता है, जो एक बहुत ही इफ़िशियंट ब्रेकिंग सिस्टम है। आप देखें इसका जो कैलिपर है और इसका सारा जो ब्रेक शू है वो हमें निकाल के चेक करना है कि कहीं पूरा इसका ब्रेक शू चला गया है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। इसको खोलने के लिए आपको सेम एलन की से यहाँ पर आप 2 जो चेक नट देख रहे हैं इसको पूरा खोल लेना है। आप इसको पूरा खोल लीजिए। खोलने के बाद आप देखेंगे तो आपका ये डिस्क ब्रेक जो है, डिस्क ब्रेक का ये जो पैड है ये बाहर आ जाएगा। ये इसका स्प्रिंग है, ये बाहर आ जाएगा। और ये आप देखें तो ये डिस्क ब्रेक का शू है। आप देखेंगे तो ये शू आपका लगभग 50% कंज्यूम हो गया है। आप देखें तो ये डिस्क ब्रेक का शू 50% कंज्यूम हो गया है। इस डिस्क ब्रेक का शू आप देखिए तो एक शू जो है वो कम कंज्यूम हुआ है और दूसरा वाला जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हुआ है। तो आप देखें तो ये दोनों डिस्क ब्रेक बिल्कुल सिमेट्रिक है। आप चाहें तो लेफ़्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ़्ट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप देखें जो डिस्क ब्रेक आपका ज़्यादा घिस गया था ये डिस्क ब्रेक,
और इस डिस्क ब्रेक में जो ज़्यादा घिस गया था उसको आपस में इंटरचेंज कर दें ताकि आपका ब्रेकिंग अच्छा हो जाए। अभी आप देखें तो इस तरफ का ज़्यादा घिसा हुआ है, इस तरफ का कम घिसा हुआ है, तो इसको आप इससे चेंज कर दें। इस डिस्क ब्रेक को एडजस्ट करने के लिए आप देखें तो इस डिस्क ब्रेक को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास इसके रिंग को एडजस्ट करने के लिए ये एडजस्टेबल चेक नट भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखें इसको, ये पूरा घूम रहा है और इससे आप डिस्क ब्रेक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आप ज़्यादा कर देंगे तो ये पूरा बाहर की तरफ आ जा रहा है और इस डिस्क ब्रेक को बाहर की तरफ डाल देगा, तो आपके इस पैड पर बहुत आसानी से पकड़ेगा और ये बाहर की तरफ आ जाएगा। इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। जब आप इसको एडजस्ट कर ले तो आप इस चेक नट को पूरी तरीके से टाइट कर दें, जिससे फ्यूचर में आपका ये कभी भी ढीला होके बाहर ना निकले। तो दोस्तों, हम इस ब्रेक शू को चेंज करते हैं इसका पोजीशन, और अभी हम इसमें जो कम घिसा हुआ वाला है उसको दूसरी तरफ लगाएंगे जो पहले ज़्यादा घिस गया था। ये हमने लगा दिया। इसके पहले आपको ये स्प्रिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये ब्रेक शू काम नहीं करेगा। इस स्प्रिंग को आप लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद आप इस कैलिपर को उठाइए और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये मोशन कर रहा है कि नहीं, तो इस तरीके से देख लीजिए इसका फंक्शन ठीक है कि नहीं। तो जब भी हम इसको आगे की तरफ करते हैं तो आप ये देखिए कि बाहर की तरफ आता है, मतलब ये पूरा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दोबारा से आप इसको इसमें लगा लीजिए। लगाने के बाद आप सेम इसको इस तरीके से इसमें बिठा दीजिए। बिठाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसका मिसमैच ना हो जाए, नहीं तो ये फिर काम नहीं करेगा। इस तरीके से आपको बिठाना है यहाँ पर। बिठाने के बाद ये स्क्रू है, इसको लगा दीजिए। जब ये पूरी तरीके से टाइट हो तो आप इसको दबा के चेक कर लीजिए कि ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। इसके बाद आपको इस चेक नट को थोड़ा ढीला कर लेना है ताकि ये बाहर की तरफ रहे और आपका कैलिपर आसानी से यहाँ पर फिट हो जाए। कैलिपर को फिट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से होना चाहिए कि इसको खींचने के बाद आपका ब्रेक यहाँ पर लगे, तो आप इस तरीके से इसको फिट कर लें। यहाँ पर आप देखिए कि ये बड़े आसानी से फिट हो जाता है। आपने फिट कर लिया, फिर इसके बाद इस स्क्रू को आप लगा दीजिए। ये आप देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से लगा दिया, और जब भी हम इसको ऊपर की तरफ कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ब्रेक शू का मोमेंट भी हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए ब्रेक शू का पूरा मोमेंट हो रहा है, जिसमें एक जो आगे वाला है वो तो ब्रेक शू का मोमेंट होता है, दूसरा ये जो पीछे वाला है इसका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं,
अपने एलन की मदद से। आप देखेंगे कि ये जो पीछे का ब्रेक शू है इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, इसकी मदद से आप इसको एडजस्ट करिए। आप इस एलन की मदद से जो रियर ब्रेक शू का पैड है आप इसको पूरी तरीके से एडजस्ट करिए। यदि आप एलन की मदद से अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आपको कोई परेशानी होता है, तो आप स्क्रू ड्राइवर का भी मदद ले सकते हैं। इस स्क्रू ड्राइवर के द्वारा आप बहुत आसानी से इसको एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये पूरा एडजस्ट हो रहा है। ये जब एडजस्ट हो जाए वो आपको पता कैसे चलेगा कि एडजस्ट हो गया, उसके लिए आप साइकिल के पहिए को थोड़ा सा सीधा करके आप इसको जब ऐसे लगाएंगे, देखिए अभी ब्रेक लगने लगा लेकिन पूरा अच्छी तरीके से नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा और एडजस्ट आपको करना पड़ेगा इसको। आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। जब अभी आप इसको देखेंगे तो पहले ये ऊपर तक आ रहा था, लेकिन ये अभी आधे पर ही आप देखिए ब्रेक का मोमेंट पूरा अच्छी तरीके से होने लगा। लेकिन फिर भी अभी हमें थोड़ा और एडजस्ट करने से हमारा ब्रेकिंग और स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा ही मोशन हो रहा है और हमारा ब्रेक शू का मोशन आप देखिए कितना अच्छे से होने लगा, स्मूथ होने लगा। इससे हमें पता चल रहा है कि अभी हमारा ब्रेक बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हम आपको डेमो भी दिखा देते हैं। देखिए आसानी से घूम रहा है, जब मैं ब्रेक लगा दिया तो ये नहीं घूम रहा है। देखिए जब ये एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको इस वायर को यहाँ पर लगाना है। इसके लिए आप अपने वायर को इसमें डाल के एडजस्ट करेंगे। बाहर भी खोल सकते हैं, बाहर आराम से खोल लीजिए इसको अच्छी तरीके से। खोलने के बाद आप यहाँ से एडजस्ट कर लें इसको। यहाँ पर इस नट को लगाने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपको इसमें डाल देना है इसको, बहुत सावधानी से डालें, ये हाथ में धंस सकता है। इसके बाद आप इसको स्क्रू को टाइट कर लीजिए। ये टाइट करने के बाद आप देखें यहाँ पर जो चेक नट है इसमें आपको लगाना है, जिसका ये जो होल्डर है वो इधर की साइड में रहेगा। आप पहले पूरा अच्छी तरीके से ढीला कर लें, फिर इसमें डाल के अच्छी तरीके से पहना लें। जो इस तरह पहन जाए आपका पूरा अच्छी तरीके से, तो आप इस स्क्रू को ऐसे पकड़ के पूरा टाइट कर दीजिए। आप ध्यान रखें कि ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आपका ब्रेक शू ढीला हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपका ये ब्रेक लगाने से बाहर ना निकले। पूरा टाइट करने के बाद आप ब्रेक लगा के चेक कर लीजिए। आप देखें तो अभी ब्रेक मारने पर ये पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर देखें मोशन हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। अभी हमें ये चेक करना है
आप देखिए, तो मैं ब्रेक मारा हूँ और आगे की तरफ कर रहा हूँ, तो ये नहीं जा रहा। देखिए पूरा आगे पीछे इस तरीके से आप देखिए, आप देखें तो अभी आपको ब्रेक टेस्ट करके हम दिखाते हैं कि ये ब्रेक अब कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जब हम ये देखिए, ब्रेक ढीला है तो आसानी से जा रहा है, जब भी हमने ब्रेक लगा दिया तो आप देखिए, आप देखेंगे कि जब देखिए अभी पूरा ब्रेक लग रहा है अच्छी तरीके से। इस तरह आप अपने ब्रेक को, अपने कैलिपर को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं और अपनी राइड को सेफ़ और सुरक्षित बना सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।